गुजरे हैं। अभी के जो इस साल का बजट है उसमें एक अच्छी खासी रकम अमन व अमान के लिए रखी जाती है। मुझे इस बात पे इतराज़ नहीं है कि अमन व अमान के लिए इतनी बड़ी रकम रखी जाती है, क्योंकि हमारे सूबे का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है और लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब इतनी बड़ी रकम रखी जाती है तो ख़वातीन की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं है? रवां साल में पहले की ज़्यादा नस्बत ख़वातीन का कत्ल हुआ है। ऑनर किलिंग के नाम पर 32 ख़वातीन कत्ल हुए हैं, 23 ख़वातीन ऐसे कत्ल हुए हैं, 10 ख़वातीन को अगवा कर लिया गया है और 12 ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। ये जो वाक़ियात हुए हैं तो बहुत अफसोसनाक है। ये तो कम फिगर है जो रिपोर्ट हुए हैं, बाज़ ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो वज़ीर दाखिला साहब पर ये बारी जिम्मेदारी आयद होता है कि वो इस किस्म के मामलात को देखें और उनके लिए सख्त इकदाम करें ताकि इस किस्म के वाकयात रूनुमा ना हो। क्योंकि नोशके में एक 16 साल की बच्ची जिसने शादी पर इनकार की तो वो मामू और उसके बेटों के हाथों कत्ल हो गई, लेकिन अभी तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसी तरह इस वाक़े के चंद रोज़ बाद कटकुचे में बीबी फरजाना नामी लड़की, 18 साल की लड़की, जो अपने ही रिश्तेदारों के हाथों अगवा हुई, बहुत हद से ज़्यादा उस लड़की पर तशद्दुद किया गया और 100 फुट गहरे कुएं में उसको फेंक दिया गया। ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। उसके ख़ानदान पे मुसीबत के पहाड़ टूटे और अभी तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वो कातिल जो है कलात में छुपे हैं। तो मैं सीएम साहब से, ज़िया भाई से गुजारिश करती हूँ कि आईजी साहब को आप ऑर्डर करें कि उनके कातिलों को गिरफ्तार करें और कानून के कटहरे में लाएं ताकि ख़वातीन की अकतलफी ना हो। इसी तरह ऑनर किलिंग के नाम पर ख़वातीन को कत्ल किया जाता है। असल में ये बात नहीं है, बात है विरासत की। विरासत में ख़वातीन का हक होता है, इसी वजह से बाज़ इलाकों में ख़वातीन को ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल किया जाता है। तो ये एक तो ख़वातीन को माशरे में भी बेइज्जत किया जाता है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। दूसरा उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता है।